lesson 2 of English literature, Bringing Up Curry. And this chapter is of an alien hand book. Okay, ये आपका second lesson है Bringing Up Curry, an alien hand book का, और जिसको हम supplementary reader भी बोलते हैं. Okay, Bringing Up Curry. इस टाइटल से क्या लगता है आपको, क्या कहना चाह रहा है इसमें Bringing Up Curry? कारी यहाँ पे एक एलिफेंट का नेम है, ठीक है, और उसको कैसे लेके आ रहे हैं Bringing Up Curry, या उसको कुछ मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, या उसके बारे में क्या बताया जा रहा है इस लेसन में, जब आप इसकी समरी पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. द स्टोरी इज़ अ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्मॉल एलिफेंट. देखिए यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये एक नरेटिव डिस्क्रिप्शन है, मीन्स नरेटर बता रहा है, जो इस लेसन का जो ऑथर है, ठीक है, जिसने ये स्टोरी लिखी है वो बता रहा है इसके बारे में, इसीलिए लिखा है यहाँ पे नरेटिव डिस्क्रिप्शन, मीन्स नरेटर ने डिस्क्राइब किया है एक स्मॉल एलिफेंट के बारे में, मीन्स जो एक एलिफेंट होता है उसका जो एक बेबी होता है उसको स्मॉल एलिफेंट यहाँ पे बोला जा रहा है. तो ये जो स्टोरी है एक स्मॉल एलिफेंट की स्टोरी है जो कि नरेटर ने या ऑथर ने लिखी है, ठीक है. द नरेटर टेल्स अबाउट द ग्रोथ एंड हैबिट्स ऑफ द एलिफेंट. और नरेटर ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि जिस एलिफेंट के बारे में बात हो रही है जो कि स्मॉल एलिफेंट है, उसकी कैसे ग्रोथ होती है, कैसे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो आदतें हैं वो कैसी हैं. तो यहाँ पे उस स्मॉल एलिफेंट के बारे में पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है. दिस मेक्स द रीडर अवेयर ऑफ द रूटीन ऑफ एन एलिफेंट. और साथ में जो इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं उन्हें ये भी पता चलेगा कि एक एलिफेंट का रूटीन क्या होता है, या वो डेली लाइफ में क्या करता है, ठीक है. Now let's start summary. The narrator is a 9-year-old child who was given a duty to look after a 5-month-old elephant named Curry. देखिए यहाँ पे जो narrator है, जो author है जिसने story लिखी है, वो अपने बचपन की कोई बात बता रहा है आपसे, ठीक है, मतलब जब वो 9 साल का था. जब वो 9 साल का था तो उसको एक ड्यूटी दी गई थी, उसको क्या करना था, एक 5 महीने के छोटे से एलिफेंट बेबी को संभालना था, उसकी देखभाल करनी थी. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. तो उसको 5 महीने के एक छोटे से एलिफेंट की देखभाल करनी थी, और जिसका नाम क्या रखा था, कारी, ठीक है. क्या नाम रखा उसका, कारी. ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स, शुरू के 2 साल में क्या हुआ, द बॉय कुड रीच द बैक ऑफ द एलिफेंट विद ईज. शुरू के 2 साल में जो लड़का था, जो कि 9 साल का था, नरेटर था, ठीक है, जिसने ये स्टोरी लिखी है, वो एलिफेंट की बैक पे आराम से चढ़ जाता था, आराम से पहुंच जाता था, बहुत ही ईजिली, ठीक है, बहुत ही ईज के साथ वो आराम से उसकी बैक पे बैठ जाता था. कारी लिव्ड अ पवेलियन विद अ थैश्ड रूफ. मीन्स कारी जो है एक पैवेलियन में रहता था, उसके ऊपर एक थैश्ड रूफ थी. इसका मतलब क्या है कि उसको घर में रखने के लिए उसको एक अलग से स्पेस दिया गया था. उस स्पेस में उसको क्या प्रोवाइड किया गया था, उसके चारों तरफ पोल्स लगाए गए थे, खम्बे जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और ऊपर से उसको कवर करने के लिए, मीन्स उसकी एक छोटी सी हट बनाने के लिए, जिसमें वो आराम से बैठ सके, सो सके, आराम से खा पी सके, ठीक है. तो उसके लिए क्या किया, बड़े बड़े पोल्स लगाए गए और उसके ऊपर रूफ डाला गया. थैश्ड रूफ मीन्स उसके ऊपर एक मतलब जो सूख जाती हैं जो चीज़ें, जैसे घास फूस है जो सूख गई है, वो डाल के जो रूफ तैयार की जाती है, ठीक है. तो उससे एक घर बनाया उसके लिए. कारी फैड ऑन 40 pounds ऑफ ट्विक्स. और जो कारी है वो क्या करता था, वो एक दिन में 40 pounds ट्विक्स खा जाता था. ट्विक्स होती हैं छोटी टहनियाँ, ठीक है, तो इतनी टहनियाँ वो एक दिन में खा जाता था. इट वॉज टेकन टू अ रिवर फॉर अ बाथ. और उसको रिवर पे बाथ के लिए भी ले जाया जाता था. द सैंड वॉज रब्ड ऑन इट्स बैक फॉर एन आवर, देन इट अमेज्ड इन टू द वाटर, लेटर इट केम आउट विद प्लेजर एंड शाइनिंग स्किन.
अब देखो यहाँ पे उसके बारे में क्या बताया कि उसको कितना अच्छा लगता था एक रिवर में, नदी में नहाना और अपने ऊपर सैंड डालना। मतलब उसको जब बाथ के लिए रिवर में ले जाया जाता था, द सैंड वॉज रब्ड ऑन इट्स बैक, तो उसकी बॉडी पे सैंड लगाया जाता था, रेत लगाई जाती थी फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, ठीक है। देन इट अमेज्ड इन टू द वाटर, फिर उसके बाद वो पानी में जाता था नहाने के लिए, पहले अपनी बॉडी पे मिट्टी लगाता, रेत लगाता, उसके बाद वो पानी में जाता। लेटर इट केम आउट विथ प्लेजर एंड शाइनिंग स्किन, और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलता तो बहुत ही खुश होता वो, बहुत ही खुशी, बहुत ही हैप्पीनेस होती थी उसके फेस पे, और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रही होती थी, ठीक है। वाइल कमिंग बैक द नरेटर गोज इनसाइड द जंगल टू कलेक्ट लस्कियस ट्विग्स फॉर इट्स डिनर। द नरेटर इन्फॉर्म दैट द एलिफेंट्स वॉन्ट टच अ म्यूटिलेटेड ट्विग, इट कुड बी ईजली हैंडल्ड इफ टेकन बाय इट्स ईयर्स। अब देखो यहाँ पे वाइल कमिंग बैक, और जब वो उस नदी से वापस आते थे तो नरेटर क्या करता था, जो उसकी देखभाल कर रहा है, जो ये स्टोरी सुना रहा है, वो क्या करता था कि वो जंगल से, जंगल के अंदर जाके बहुत सारी लस्की स्ट्विक्स लेकर आता था उसके लिए, मीन्स छोटी छोटी टहनियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती हैं, लस्कीस मीन्स फ्रेश, ठीक है, फ्रेश ट्विक्स लेके आता था डिनर के लिए। द नरेटर इन्फॉर्म दैट एलिफेंट्स वॉन्ट टच अ म्यूटिलेटेड ट्विग, और नरेटर उसको इन्फॉर्मेशन भी देता था, उसको ये भी बताता था कि एलिफेंट को कि जो टहनियाँ मतलब जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा जिसमें निकली हुई हैं, बहुत सारी एक ही उसमें बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं, वो उनको टच ना करें क्योंकि वो उसको हर्ट भी कर सकती है, उसमें कांटे वगैरह भी हो सकते हैं तो उसको हर्ट हो सकता है, तो इसलिए उसको बोला जाता था। जो म्यूटिलेटेड ट्विग है, जैसे एक टहनी, एक बड़ी टहनी में से जो छोटी टहनियाँ निकल रही होती हैं उसको वो टच ना करें। तो इससे क्या होता था कि इससे बहुत ही ईजली हैंडल भी हो जाता था, मतलब क्योंकि जो एलिफेंट है वो अपने ईयर्स पे रख के उन ट्विग्स को लेके जाता था घर पे, तो इसलिए उसको ईजी भी हो जाता था, अगर म्यूटिलेटेड ट्विग्स को नहीं उठाएगा तो उसको भी ईजी होता था कैरी करना और घर तक। वन डे इन मार्च व्हेन द नरेटर वॉज गैदरिंग फूड, एक दिन क्या होता है मार्च में जब नरेटर फूड गैदर कर रहा होता है, मीन्स फूड को इकट्ठा कर रहा होता है बनियन ट्री से, ही हर्ड कारीज वॉइस, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कारी की आवाज़ थी। विद एन एप्रीहेंशन द बॉय रेन, तो बिना देर किए वो क्या करता है, एकदम से जो वो बॉय था, नरेटर था, वो भागता है सब कुछ वहीं पे छोड़ के। व्हेन ही रीच्ड देयर, और जब वो वहाँ पहुँचा, ही रियलाइज्ड दैट कारी माइट बी ड्रॉनिंग, तो उसको ये रियलाइजेशन हुई कि कारी जो है वो शायद पानी में या रिवर में डूबने वाला था। हाउएवर इट केम आउट एज अ सेवियर, लेकिन बाद में वो एक सेवियर की तरह वो सेव करते हुए, किसी को की ज़िंदगी बचाते हुए निकला था बाहर, कुछ उसने ऐसा काम किया था जिससे कि लगा कि हाँ कारी ने किसी को सेव किया है, वो एज अ सेवियर काम कर रहा था। एंड थ्रू द नरेटर टू सेव अ बॉय, और नरेटर की हेल्प से एक बॉय को बचाया। इट एक्सटेंडेड इट्स ट्रंक टू कम आउट ऑफ द वाटर, और उसने अपनी ट्रंक से उसको खींचा पानी के बाहर, उसको लेके आया। विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड ब्रिस्क मूवमेंट्स ऑफ कारे, और बहुत ज़्यादा मेहनत करी, स्ट्रगल किया उसको बाहर निकालने के लिए, एंड ब्रिस्क मूवमेंट्स ऑफ कारे, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिस्क मूवमेंट थी कारे की, मीन्स बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मूवमेंट थी उसके लिए, क्योंकि उसकी भी जान खतरे में थी और साथ में जो नदी में कोई एक लड़का डूब रहा था उसको भी बचाने की वो कोशिश कर रहा था, तो इसमें भी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी। तो इस तरह से कारी ने और उसने नरेटर की हेल्प से उस बच्चे को बचा लिया था। कारी वॉज मिसचीवियस बट अंडरस्टैंड्स विद ट्रेनिंग, कारी डेवलप्ड लाइकिंग फॉर राइप बनानास व्हेन इट टेस्टेड वंस। कारी स्टोल अवे द फ्रूट्स placed in the dining room at various instances. The elders were ignorant of Kari's attitude
and pass the blame on servants and later on the narrator himself. देखो अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे कारी का बिहेवियर बताया हुआ है कि वो क्या करता है, कितनी शरारतें करता है, वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो गया, शरारती हो गया है, बट अंडरस्टैंड्स विद ट्रेनिंग. लेकिन हमें पता है कि, या नरेटर को पता था कि उसको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो समझ भी जाएगा. कारी ने क्या किया, कारी डेवलप लाइकिंग फॉर राइप बनानास. उसको राइप बनानास बहुत पसंद थे, जब उसने उसको एक बार टेस्ट किया तो उसको बहुत अच्छे लगे बनाना. कारी स्टोल अवे द फ्रूट्स प्लेस्ड इन द डाइनिंग रूम एट वेरियस इंस्टेंसेज. तो कारी ने अब क्या करना स्टार्ट किया, कारी ने अब चोरी करनी स्टार्ट करी. तो चोरी में उसने क्या किया कि डाइनिंग टेबल पे जितने भी फ्रूट्स रखे रहते थे उसमें बनानास होते थे, तो कारी क्या करता, विंडो के बाहर खड़ा होके अपनी सूंड से, ठीक है, अपनी ट्रंक से उन बनानास को लेके आता बाहर और खा जाता था उनको, ठीक है. उसके बाद द एल्डर्स वर इग्नोरेंट ऑफ कारीज एटीट्यूड. जो घर के जो बड़े लोग थे या जो एल्डर्स थे, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कारी के एटीट्यूड पे, एंड पास द ब्लेम ऑन सर्वेंट्स. लेकिन कारी ने क्या किया, सारा का सारा ब्लेम नहीं, यहाँ पे जो एल्डर्स थे घर के, उन्होंने सारा ब्लेम सर्वेंट्स पे डाल दिया. उन्हें ये लगा कि, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सारे काम कारी कर रहा है, लेकिन उन्हें घर वालों को ये लगा कि ये जो यहाँ से फ्रूट्स चोरी हो रहे हैं ये इसमें सर्वेंट्स का हाथ है. और बाद में तो जो नरेटर है वो भी खुद इस चीज़ का शिकार हो गया, मीन्स उस पर भी उसको भी ब्लेम किया गया कि शायद नरेटर भी ले सकता है, मतलब वो भी चोरी कर सकता है. ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड. ऑन इन्वेस्टिगेशन ही फाउंड अ स्मैश्ड बनाना इन कारीज पवेलियन. द नेक्स्ट डे कारी पुट्स हिज ट्रंक इनसाइड द विंडो टू टेक आउट द फ्रूट्स, अनअवेयर ऑफ सच इंट्रूजन लाइव वॉज स्केयर्ड. अब देखो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्रियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा था, उसको लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी. तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि आखिर ये फ्रूट्स जा कर रहे हैं, तो पता चला कि कारी के पेविलियन में, जहाँ पे उसको एक छोटी सी हट बना के दी गई थी, वहाँ पे उसको एक कुचला हुआ बनाना मिला, स्मैश्ड बनाना, मतलब उसको उसने वो खाया हुआ था, उसका छिलका था, ठीक है. द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या हुआ कि कारी पुट्स हिज ट्रंक इनसाइड द विंडो टू टेक आउट द फ्रूट्स. कारी ने अगले दिन भी यही काम किया, फ्रूट्स को लेने के लिए अपनी ट्रंक आगे बढ़ाई विंडो में और उन फ्रूट्स को लेके बाहर आ गया. अनअवेयर ऑफ सच इंट्रूजन, उसे कुछ नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है. लाइव वॉज स्केयर्ड, उसका जो झूठ था वो पकड़ा जाने वाला था, ठीक है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहना था. ही वेंट टू कारीज पेविलियन फॉलोइंग इट. तो फिर वह कारी के पेविलियन को फॉलो करते हुए वहाँ जाता है, एंड देयर ही सो फ्रूट्स स्कैटर्ड अराउंड कारी. और वहाँ पे वो फ्रूट्स को भी देखते हैं जो कारी के चारों तरफ पड़े हुए थे. ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू रिवील द ट्रुथ एंड स्कॉल्डेड कारी. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स को बुलाता है और सारा सच दिखाता है कि देखो जो असली चोर था वो कारी था, एंड स्कॉल्डेड कारी, और उस कारी को डांट भी पड़ती है. कारी सीम टू हैव एंड अंडरस्टूड इट एज इट्स क्विल. कारी जो था ये सब सुन के थोड़ा सा उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, वो हेजिटेट होने लग गया था, स्केल्ड हो गया था. हाउएवर इट टुक रिवेंज इफ स्कॉल्डेड फॉर द रॉन्ग रीज़न. अगर उसको गलत चीज़ के लिए डांटा जाता तो वो पक्का बदला लेता, लेकिन यहाँ पे उसको पता था उसकी गलती है, तो इसलिए वो ये चीज़ें सोच भी नहीं सकता था कि वो बदला लेगा इस काम का. कारी हैज़ लर्न ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स, इट एक्टेड अकॉर्डिंगली टू द कमांड, इट लर्न a master call in 5 years. It is a signal to save oneself if one gets lost in the jungle, to scare away all the wild animals. Elephant makes an easy way for home even in wild. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कारी है उसने बहुत सारे सिग्नल्स और साउंड सीख ली थी, मीन्स अब उसका टाइम शुरू हो गया था ट्रेनिंग का टाइम. उसने पहले बहुत ज़्यादा शरारती करी, मिसचीवियस हो गया था,
अब टाइम आता है कि उसको नॉलेज नहीं थी, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, इसीलिए वो ऐसी गलतियाँ कर रहा था। तो फिर अब नरेटर ने क्या सोचा कि इसको ट्रेनिंग दी जाए। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले उसको क्या सिखाया गया कि उसको सारे सिग्नल्स और साउंड्स का पता होना चाहिए। इट एक्टेड अकॉर्डिंगली टू द कमांड, और मालिक जब जो भी होगा, मास्टर जब उसको कमांड देगा तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करे, उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करे। इट लर्नड अ मास्टर कॉल इन 5 ईयर्स, लेकिन उसने एक मास्टर कॉल सीखने में 5 साल लगा दिए। मास्टर कॉल्स ये भी एक तरह का सिग्नल है, यह एक तरह की कमांड है, ठीक है, जो कि उसको सिखाई गई थी कि जब मास्टर कॉल के लिए बोला जाएगा तो आपको इस तरह से बिहेव करना है। इट इज़ अ सिग्नल। अब देखो इस मास्टर कॉल के बारे में बताया हुआ है कि क्या था, किस प्रकार की सिग्नल थी। इट इज़ अ सिग्नल टू सेव वन सेल्फ इफ वन गेट्स लॉस्ट इन द जंगल टू स्केयर अवे ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। मीन्स इट इज़ अ सिग्नल टू सेव वन सेल्फ, ये एक सिग्नल होता है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। इफ़ वन गेट्स लॉस्ट इन द जंगल, अगर कोई जंगल में खो जाता है तो उस टाइम पे मान लो कार ही खो गया जंगल में और उसको अपने घर वालों के पास जाना है तो क्या होगा, तो वो मास्टर कॉल देगा, ठीक है। या फिर मान लो जो नरेटर है वो गुम हो जाए और उसको अपने उसको बुलाना है एलिफेंट को, तो वो भी एक मास्टर कॉल देगा जिससे कि वो समझ जाएगा कि हाँ मेरा जो मास्टर है वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसे जल्दी जाना चाहिए वहाँ पर। मान लो उनमें से कोई भी जंगल में गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो फिर वो जो वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे डर जाएगा वो, ठीक है, जो भी वहाँ पे गुम होएगा वो बंदा डर जाएगा वाइल्ड एनिमल्स से। एलिफेंट मेक्स एन ईजी वे फॉर होम इवन इन वाइल्ड। अब एलिफेंट जो है वो भी एक बहुत ही ईजी सा रास्ता ढूंढता है अपने घर पर आने के लिए इवन इन वाइल्ड, जबकि वो बहुत ही जंगली जानवरों से जंगली रास्ता था वो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपना रास्ता बनाया घर जाने के लिए, उसने एक सिंपल सा तरीका अपनाया जिससे कि वो घर पहुंच सके। तो इसीलिए उसको ये मास्टर कॉल सिखाई गई थी कि वो कहीं गुम भी हो जाता है या फिर उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है अपने घर वालों से तो वो वहाँ पर कैसे पहुँचे, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी गई थी कि उसको मास्टर कॉल का यूज़ करना है, ठीक है, जो कि 5 साल के लिए होती है। इट इज़ अ सिग्नल जो कि उसने 5 सालों में सीखी थी मास्टर कॉल, ठीक है, और ये ऐसा सिग्नल था जो कि उसको बचा सकता था, ठीक है, और कोई भी उस वहाँ पे गुम हो जाए, चाहे वो नरेटर था या फिर वो खुद ही था, अगर वो गुम हो जाता है और वो मास्टर कॉल देगा तो जो उसकी फैमिली वाले हैं वो उसको समझ जाएंगे कि हाँ हमारा ये पर्सन, ये एलिफेंट हमारा मुसीबत में है, तो उसको वहाँ जाके संभालेंगे, उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस मास्टर कॉल का इतना बड़ा यूज़ था जो कि उसने सीखने में 5 साल लगा दिए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ एनिमल्स कैन बी एज और समटाइम्स इवन मोर। एनिमल्स जो दिखते हैं कई बार वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, ब्रेव होते हैं और सेंसिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। मतलब अगर ह्यूमन बींग्स से कंपेयर किया जाए तो एनिमल्स में ज़्यादा सेंसिबिलिटी होती है, ज़्यादा उनमें फीलिंग्स होती हैं, भावनाएँ होती हैं, ठीक है, वो ब्रेव भी होते हैं, लवेबल होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन टूडेज वीडियो और इन समरी, देन यू विल आस्क एंड गिव द कमेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। एंड देयर इज़ एन इंफॉर्मेशन फॉर यू रिगार्डिंग दिस लेसन। You write only introduction, okay, not summary, only introduction, then we will do word meaning and question answer of this lesson in the next video. आपको फेयर नोटबुक में अभी इस चैप्टर के सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। ये आपका लेसन टू है ब्रिंगिंग अप कारी, जो कि आपका एन एलियन हैंड बुक का चैप्टर है, ठीक है। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको समरी नहीं लिखनी है, समरी बहुत बड़ी है तो इसको मत लिखना, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद वर्ड मीनिंग करेंगे और देन लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर करोगे। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आपको ये इंट्रोडक्शन लिखना है फेयर नोटबुक में,
और समरी को बार बार पढ़ना है, रीड करना है, बार बार वीडियो को देखना है। जो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ बेटा, उसको बार बार देखो, वॉच आउट करो, जिससे कि आपको वो मैटर लर्न हो जाए, सुनने से लर्न हो जाए। ठीक है, इतना हम कोई भी बुक पढ़ते हैं या रीड आउट करते हैं, हमें लर्न नहीं होता जितना कि हम एक दूसरे को समझाते हैं या उसका जो बोल रहा है सामने वाला उसका सुनते हैं, उससे हमें जल्दी लर्न होता है। तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको मान लो चैप्टर की स्टोरी पता है, तो आप इजीली उसके क्वेश्चन आंसर अपनी लैंग्वेज में भी बना के कर सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में। लेकिन अभी के लिए आपको इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है, समरी को बार बार पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा क्या है इस स्टोरी में। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक तो कारी के बारे में आपको ध्यान रखना है, कारी एक एलिफेंट है जिसकी देखभाल किसने करी थी, नरेटर ने करी थी, जो कि इस स्टोरी को लिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे कारी जो है उसने एक बच्चे को बचाया था जो कि रिवर में डूबने वाला था, और यहाँ पे कारी के बिहेवियर के बारे में भी बताया हुआ है कि उसको रिवर में बात करना, नहाना बहुत पसंद था, ठीक है। और यहाँ पे और ये भी बताया हुआ है कि कारी जो था थोड़ा सा मिस्चीवियस था, मीन्स वो शरारती था, तो उसने क्या किया था कि उसको बनानास बहुत पसंद थे, राइप बनानास, तो उसके लिए उसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में वो पकड़ा भी गया। तो कभी भी हमें लाइफ में चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे इस लेसन से हमें ये भी समझ आता है, क्योंकि चोरी पकड़े जाने पे बहुत ही बेकार फील होता है, हमें इंसल्टिंग फील होता है, सबके सामने इंसल्ट होती है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें जानवरों से, एनिमल से प्यार करना है, ठीक है। अगर हम उनकी देखभाल करेंगे, उनको लव करेंगे, तो वो भी हमारा साथ देंगे, ठीक है, तभी हम एक अच्छे ह्यूमन बींग कहलाएंगे। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो मैंने चैप्टर कराया था आपको, लेसन वन द टाइनी टीचर, वो भी आपका इसी बुक का है, एन एलियन हैंड का, उसमें मैंने आपको बोला था, उसमें आपको समरी करनी थी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी समरी नहीं थी, वो आपको करनी थी और उसके वर्ड मीनिंग भी करने थे और क्वेश्चन आंसर भी करने थे। लेकिन यहाँ पे सेकंड चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है, समरी नहीं करनी है। प्लीज़ रिमाइंड दिस थिंग, ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गिव कमेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।